सीधे आपको लिए चलते हैं चुनाव मंच पे, जहां इस वक्त चुनाव को लेकर क्या रणनीति है दलों की, इस पर बात हो रही है। लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं चुनाव मंच पर। ये बताने की जरूरत नहीं है कि लालू यादव का बिहार की राजनीति में उनकी क्या हैसियत है, क्या अहमियत है। लालू यादव 15 सालों तक बिहार की सत्ता के शीर्ष पर रहे, कुछ सालों तक खुद मुख्यमंत्री रहे, कुछ सालों तक राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, लेकिन एक दौर ये था जब लालू यादव देश की राजनीति को बहुत प्रभावित करते थे। केंद्र में जब सरकार थी, देवेगौड़ा की सरकार थी, या जब जब तीसरे मोर्चे की सरकार की बात आई तो लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में रहे। रेल मंत्री, केंद्र में मंत्री थे, बीच में लालू जी बोल रहे, मैं आगे बोलने वाला था आगे, लेकिन आपने पहले बोल दिया। केंद्रीय रेल मंत्री के तौर पर लालू यादव ने जो कुछ किया दुनिया में उसकी मिसाल बनी। दुनिया के विश्वविद्यालय में जो इनका मॉडल था उसे पढ़ाया भी गया। लेकिन लालू यादव आज बिहार की राजनीति में एक नए सियासी गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में। सवाल उठता है कि इस बार जो चुनाव मैदान में लालू यादव ताल ठोक रहे हैं, क्या ये लड़ाई, अब तक जितनी भी लड़ाई लालू यादव ने लड़ी है उसमें सबसे अहम है, और क्या लालू यादव के लिए ये लड़ाई इतनी चुनौतीपूर्ण है कि अपने पुराने दुश्मन नीतीश कुमार के साथ भी इन्हें आना पड़ा। कई सवाल हैं लालू यादव से, लोग यहां बैठे हैं, हम समझेंगे। और लालू यादव जिस ढंग से बोलते हैं दुनिया उन्हें बहुत चाव से और बहुत गौर से सुनती भी है, और ये भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में भी अपने अंदाजे बयां की वजह से पॉपुलर है। लेकिन हम लालू यादव से सवाल पूछने से पहले जरा देखते हैं लालू जी का सियासी सफर। एक वक्त था जब देश की सियासत में पटना से दिल्ली तक लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी। उस दौर में पुराने दोस्त लालू यादव और नीतीश कुमार की अदावत भी जग जाहिर थी। नीतीश के पेट में दांत है और उन लोगों को गोद में बैठे हुए हैं नीतीश। धान करोटी तावा में नीतीश उड़ गया हवा में, ये आदमी बिल्कुल जमीन में दब गया है। भाजपा से भी मिला हुआ है, ये दोनों मिल करके और हमारे दल को तोड़ने का कोशिश किया। लेकिन नरेंद्र मोदी की धमक ने आज जहर का घूंट पीकर भी लालू यादव को नीतीश कुमार से दोस्ती के लिए मजबूर कर दिया। अब ये दोस्ती की ऐसी सवारी है जिसमें नीतीश विकास का पहिया खींचने का दावा कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव जात पात वाले मंडल राज पार्ट 2 की कश्ती में सवार है। तुम बोलते हो कि जंगल राज पार्ट 2 है, नहीं नहीं, यह मंडल राज पार्ट 2 है। जिस कांग्रेस और गांधी परिवार के लालू गुण गाते हैं, आज उसी परिवार के राहुल गांधी लालू के साथ मंच साझा करने से परहेज कर रहे हैं। लालू यादव ने मोदी विरोध के लिए महागठबंधन बनाया तो संधी मुलायम सिंह यादव ने साथ छोड़ दिया, फिर भी लालू का अंदाज नहीं बदला। बिजली आई, बिजली मिली, अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या लालू यादव 1990 के दौर की राजनीति कर रहे हैं? क्या लालू की इस राजनीति से बिहार के अच्छे दिन आएंगे? तो आपने लालू यादव के भाषण का ट्रेलर तो देख लिया, अब लालू यादव हमारे साथ खुद हैं। पहली बार पूछ रहा है। सब पूछता है लालू यादव है। हम घुसने के पहले अभी नीतीश निकल रहे थे तो रोड़ी तो हम नहीं रखे थे, हमको रुको नीतीश जी लो चंदन लगा दिया तुम। हमारा बेसी कम का बात नहीं, आप जब ये बात बोल रहे हैं तो नीतीश है मुख्यमंत्री हो ही होंगे, ये पब्लिक कमिटमेंट है। जैसे दांत और कान रखे हुए हैं उसमें ये वो तरह का डेटा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा को खाली पांव यहां से लौटाना। आपके बेटों की क्या भूमिका होगी अगर जीते तो? मंत्री होंगे उस सरकार में। अरे लालू का बेटा 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 लालू लालू है, तो आपके बेटे मंत्री तो होंगे ना नई सरकार में, अगर सरकार बनती है या ऐसी मंत्री संतरी अभी बता रहा है। लालू लालू है, कहां हमारा बेटा आता है? एक दिन एगो टीवी वाला बोल दिया लो सबसे लोकप्रिय युवा नेता बिहार में मौसम वैज्ञानिक का जो बेटा है रामलीला जी का, उसका पॉइंट बना दिया। हमारा बेटा को कौन का 10, बेटी को कौन 5, कौन 3, 7, 8, तो तेजस्वी मिला कि उसको दिया अगर 10
तो सब भाई बहन मिला के हम लोग को हो गया 22। आपको सवाल पूछना चाहते हैं। लालू जी, बहुत धैर्य पूर्वक आपकी बात हम लोगों ने सुनी। एक सवाल है जो एक तो अंजुम ने पूछ भी लिया, चुनाव के बाद यदि आपको अधिक सीट आएगी तभी नीतीश मुख्यमंत्री होगा, ये कमिटमेंट आपके माला के वही ना भाई। ये लेकिन दूसरा सवाल है कि सीटों की अभी जो आपने शेयरिंग की है उसमें आपने बाजी मार ली, 3 दर्जन सीट आपने झगड़ा कराने 3 दर्जन सीट आपने ली है हकमारी करके, यूँ कहें कि आपने जदयू की सीट ली है। अब आप एक बराबर सीट लड़ रहे हैं दोनों भाई, 101-101, आपका स्ट्राइकिंग क्या लगता है कि आप अधिक सीट जीतेंगे या नीतीश जीतेंगे? नीतीश जीतेंगे, हम जीते, वो बेसी सब जीते। 243 लड़ रहे हैं हम नहीं। और देखो कितना शुभ अंक निकला है, 100-100 नहीं, 101-101 और कांग्रेस पार्टी 41, 101 जोड़ा नहीं फूट है। इसलिए नीतीश बनेगा मुख्यमंत्री और बीजेपी लौट के जाएगा धान के तो रोटी तावा में, आ मोदी बीजेपी उड़ गया हवा में। आखिरी सवाल है कि लालू जी, आपको MY समीकरण कहा जाता है, मुस्लिम यादव समीकरण का वोट बैंक लालू यादव का है, ये परसेप्शन पिछले 20-25 साल से है। अब यादव समीकरण के लिए देख रहे हैं कि बीजेपी 18-20 यादव और कुल NDA में ज्यादा यादव हो जाएंगे, वैसे ही पप्पू यादव मुलायम सिंह यादव हैं, वैसे ही मुस्लिम के लिए ओवैसी आ रहे हैं, हैदराबाद से सीधे किशनगंज लैंड कर रहे हैं, तो ये सबसे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप बात देखिए, आपको बोलते हैं ना, बात समझिए, ये जो जदुवंशी सेना है महाभारत वाला, और उसके पीछे जो हमारी सेनाएं हैं और तब का, तो ये महाभारत छिड़ गया है, ये सारे जदुवंशियों को और उसके खिलाफ जो भी है शिखंडी अगर कोई आएगा, तो लालू का जो जदुवंशी है महागठबंधन का चक्र उसके हाथ में है, आज सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा, कोई असर नहीं। और ज़्यादा हम ओवैसी जी के विषय में नहीं अब बोलना चाहते, डरे हुए कि कहीं ज़्यादा बोलने से मुस्लिम नाराज ना हो जाए। आपको पता नहीं ना है धरातल का, आपको जमीन की बात नहीं पता है ना, आप लोग तो ठीक है, वो काट लेगा उतना, सब आकलन का कान काट लेगा। बिहारी लोग उड़ते चिड़िया के हल्दी लगाता है, अभी तक पर गिनते हैं सुनते हैं आप तो हल है? अरे हल्दी लगाते हैं हम लोग उड़ती चिड़िया को। अब बिहारी का मतलब बिहारी जी तो बिहारी जी सब तैयार हैं। सर, अभी अभी RSS ने कहा कि जातियों के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, आपका इसमें क्या कहना है? जाति के आधार पे मिलना चाहिए, बोल चुके लालू जी उस पर, ये सवाल का लालू जी RSS वाले सवाल या गरीबी पे, या गरीबी पे, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। बैकवर्ड क्लास से सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पिछड़ा वर्ग मैडम, एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, बाबा साहब ने हमारे संविधान निर्माताओं ने आबादी के हिसाब से निर्धारित किया रिजर्वेशन, और पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर का सिद्धांत, जिनको लोहिया जी भी बोला करते थे कि पिछड़ा वर्ग ने बांधा गांठ, पिछड़ा पावे डॉक्टर लोहिया ने बांधा गांठ, और सौ में 60 हवे। तो जाति, और आपको मैंने पढ़ के सुनाया, आप सेवाओं में देख लीजिए, इसलिए जो बैकवर्ड समूह है, दलित समूह है, आपको मालूम है उसमें क्रिमिनल लेयर लगा हुआ है, इसलिए बिल्कुल जातीय आधार पर जो हमको संविधान इजाजत करता, मैं तो बोल रहा हूँ कि आबादी के हिसाब से होना चाहिए, आपका जितना आबादी आप ले लीजिए, और दलित पिछड़ा का जो आबादी है वो ले लीजिए, आइए संविधान में बैठिए। हम ये जानना चाहते हैं कि जो तर्क कुतर्क करते हैं मैडम, जाति है कि नहीं बताओ, या जाति नहीं है? गरीबी अभी रखिए ना,
जाति है कि नहीं है ना, या जाति नहीं है, बोल दो जाति है या नहीं है, तब फिर हम पर क्यों आरोप लगाते हो? जाति है, जाति नहीं है, ये गलत है। तो इसलिए हमारा जो संविधान इजाजत करता है आपके हमारे तय करने से नहीं होगा, उसी में है रिजर्वेशन हमारा, जाति आधार पर सब लिखा हुआ। आप बंद करिए, बस आखिरी सवाल खत्म कर रहे हैं, लास्ट सवाल लालू जी। लालू जी, बिहार में आप चीफ मिनिस्टर रहे, आप एक दौर था जब आपको किंग मेकर माना जाता था दिल्ली की सरकार के लिए भी, और देवेगौड़ा बने या इंद्र कुमार गुजराल बने, अब मुलायम सिंह नहीं बने, जो कुछ भी हुआ उसमें लालू यादव की भूमिका रही। दिल्ली में आप यूपीए की सरकार में आप रेल मंत्री भी रहे, आज लालू यादव किंग मेकर की भूमिका में अगर नीतीश मुख्यमंत्री बने तो कहा जा सकता होगा, लेकिन सरकार अगर बनती है तो क्या सरकार का रिमोट लालू यादव के पास होगा? ये बात सुनिए, सरकार का रिमोट और कंट्रोल का सवाल नहीं है, देश और दुनिया का निगाह इस चुनाव पर लगा हुआ है, ये बिहार का चुनाव नहीं है। लेट इट क्लियर, अगर कन्फ्यूजन है तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ये देश का चुनाव है, लालू नीतीश का चुनाव नहीं है, सारा देश का निगाह है। पहले लोग बोलते थे लालू नहीं मानेगा, लेकिन आपको मालूम है कि हम लोगों ने कहा कि वोट बंटवारा से निकल रहे हैं, देश को बर्बाद बंटवारा हो जाएगा देश, अब आप देखिएगा, इतिहास उन लोगों को भी माफ नहीं करेगा जो पक्ष ले रहे हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी के। तो ये है देश का सवाल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, बताओ क्या हम देश को टूटने दें बचने दें? आज़ादी मिलने के बाद कितने खरब पैसा खर्चा हुआ, कई बार बीजेपी ने कहा कि हर हाथ को काम हर खेत को पानी, कई बार बोला स्वदेशी, कई बार क्या क्या बात बोलता रे भाई। अभी इनको राज मिल गया, चाहे जिस तरह से मिल गया, दिल्ली मिल गया, 14-15 महीना निकल गया, कोई भी खाका बताइए, कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग बताइए, जो यूपीए गवर्नमेंट का, जो हम थे गवर्नमेंट में, उसी का नाम बदल के मनरेगा का कटौती करके, गरीबों के आवास में कटौती करके, अस्पताल में कटौती करके, सिर्फ भाषण से काम नहीं चलता। आज़ादी मिलने के बाद अगर आप लोगों को थोड़ा लेखा जोखा करते हो तो कितना खर्चा हुआ, विकास विकास विकास, अभी फिर कर रहा विकास विकास विकास, अरे तो ये पैसों का आ गया, मिल के लूट लिया हुसन वालों ने, गोरे गोरे गालों ने। चलिए लालू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जब आप कह रहे हैं मिल के लूट लिया, तो उसमें 60 साल कांग्रेस की सरकार, जो भी मिल के लूट लिया हुसन वालों ने, गोरे गोरे गालों, गोरे गोरे गालों ने, अब वही कह रहा कि लालू यादव का जंगल। तो गोरे गोरे गालों वाले कुछ लोग आपके साथ भी हैं मंच पर? अरे मंच पर रहेगा नहीं, वो रियलाइज किया लोग, बहुत आदमी जैसे आप हैं, आप भी तो रियलाइज कर रहे हैं कि ना भाई लालू ठीक बोल रहा। हाँ हम तो हर आदमी गरीब की बात कर रहा है कि नहीं? जी बिल्कुल, बोलिए आप पक्ष लेता मेरे, व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज लोकसभा? हम कानून बनाते हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर पीपुल, यही तो है कि आज तक भारत के पार्लियामेंट में हम बड़े लोगों के पक्ष में कानून बनाते, गरीब गुरबा का नाम सुन के भाव सुखराते हैं लोग, इसलिए देश का हालत हो गया है। विकास 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 विकास, रुद्राक्ष माला जैसे जप रहे हैं। अरे बताओ ना, आपको मौका मिला है, आप काम ना करिए, काम करके दिखाइए, हम लोग फेंका जाएंगे। ये कह रहे हो कि समीक्षा करो, आरएसएस के पास घुटना टेक के, बीजेपी वही है जो आरएसएस है, जो आरएसएस नहीं होगा वो बीजेपी नहीं है, आरक्षण कैंसिल करो।